ये हमारे हाथ में प्रेशर मशीन, ये फ्रिज का कंप्रेसर है जिनको हम प्रेशर मशीन बना चुके हैं, और हम अभी जा रहे हैं सुपौल में ही एक एसी के अंदर लीकेज ढूंढने के लिए। आज कस्टमर वो दो दिन से परेशान है क्योंकि उनके यहाँ लड़का जाता है, देखता है लीकेज है, गैस लीक हो चुका है, और उनको लीकेज मिलता ही नहीं है जो दोबारा वो गैस डाले, क्योंकि लीकेज बिना बंद किए अगर गैस डालेगा तो फिर से वो गैस निकल जाएगा। तो हम ये प्रेशर मशीन लेकर के जा रहे हैं उनके यहाँ, और उस एसी का जो है लीकेज पहले ढूंढेंगे, उनको रिपेयरिंग करेंगे, लीकेज बंद करेंगे, उनके बाद गैस डालेंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं आखिर उस एसी में लीकेज है कहाँ से। यह है सुपौल का पुरानी दुर्गा मंदिर, और यही आसपास में कस्टमर का एड्रेस है। तो अब चलिए मिलते हैं सीधे कस्टमर के यहाँ। आ गए अभी हम कस्टमर के यहाँ, और देख लीजिए सामने में लगा हुआ है ये एसी। रूम साइज जो है एसी के अकॉर्डिंग ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अब अपने हिसाब से हम चेक करके देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे इशू तो कूलिंग का बता रहे हैं, तो अभी हम इसमें लाइन दिए हैं, और अब हम इसे रिमोट दे दीजिए ऑन करके चालू करके अपने तरीके से ही चेक करेंगे पूरा। अभी हम इस एसी को चेक कर रहे हैं, और चेक करना है इसीलिए हम इसे हाईकूल पे चला दिए हैं, और इसका वोल्टेज जो है ठीक है, वोल्टेज में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, वोल्टेज भी 230 32 33 आ रहा है ठीक है। तो वोल्टेज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कूलिंग का इशू आ सकता है। इंडोर तो देख लिए, उसे चालू भी कर दिए, अब आ गए हैं छत पर, तो छत पर भी देख लेते हैं। आउटडोर यूनिट यहाँ लगा हुआ है और ये चल चुका है, जैसे ही चलाया वहाँ तो जो टाइमिंग था इनका उतना के बाद चल चुका है। उसका पाइपिंग देख लीजिए किस तरह से किया है, देखिए देख रहे हैं पाइपिंग कितना अल्टर पाइपिंग किया हुआ है, कितना ख़राब लग रहा है देखने में, और ऐसे पाइपिंग की वजह से ही बहुत जल्दी गैस निकलता है समझे। ये पाइपिंग क्या होता है कि हिल डोल करता है और बहुत जल्दी ही गैस निकल हो जाता है। और ये एसी को लगभग सवा साल हुआ है, एक साल कुछ महीने हुए इनको। तो अब हम जो मीटर वीटर लाए हैं, अब उधर अपना जो है पेचकस से खोल रहा है इसका ढक्कन, और इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर इसमें गैस कितना है। सेक्शन वाला पाइप हम छू रहे हैं, देखिए रिटर्न बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है, एकदम हल्का हल्का पता चल रहा है, जो कि गैस नहीं होने का निशानी है, साइन है, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आ पा रहा है। जब एसी के अंदर गैस रहता है और एसी लोड लेकर चलता है तो सामने से हवा भी गर्म गर्म हवा फेंकता है, और पीछे से कॉयल भी उसका हीट रहता है, लेकिन अभी इसका कॉयल भी बिल्कुल भी हीट नहीं है, एकदम हीट नहीं है, और नहीं सामने से हवा जो है गर्म वाला फेंक रहा है। मशीन के अंदर गेज मीटर लगा दिए, और देखिए इनका बैक प्रेशर जो है अभी रनिंग प्रेशर 110 है, लेकिन मेरा 20 पॉइंट मीटर आगे है इसीलिए ये 90 पे चल रहा है। तो गैस इसका निकल गया, ये 90 भी जो दिखा रहा है ये सिर्फ प्रेशर प्रेशर है, रिटर्न बिल्कुल भी नहीं है, गैस जो इसका ओरिजिनल गैस निकल चुका है, सिर्फ प्रेशर बचा हुआ है। आउटडोर यूनिट पे नट के पास से कहीं भी कोई साइन नहीं था गैस निकलने का, लेकिन यहां देखिए इंडोर यूनिट के यूनियन पे, सक्शन वाला यूनियन पे यहां गैस निकला हुआ है, और स्टाम्प पेपर पे लिख के हम दे सकते हैं कि 100% यहां से गैस निकला हुआ है, क्योंकि यहां से ऑयल आया हुआ है, ऑयल गैस के साथ ऑयल भी निकलता है। लीकेज जो एकदम सामने में था सक्शन पाइप से यूनियन के पास से था, पता नहीं कौन अंधा आया था चेक करने के लिए, जिसको लीकेज नहीं दिख रहा था, तो बिना प्रेशर डाले ही हमको लीकेज दिख गया, वहाँ से ऑयल आया हुआ है। अब पहले जो पाइपिंग किया हुआ है इनको हम सही से सुधारेंगे, उसके बाद इसमें वैक्यूम करके गैस डालेंगे। नीचे से भी जाकर के पाइप को डिस्कनेक्ट कर दिए, अब इसको ऊपर कर लेते हैं। रोल है कि बस यूज किया।
नीचे से जो है अभी टेम्पररी नट को कसे हुए हैं, पहले ऊपर से जो है इनका अलाइनमेंट ठीक कर लेते, उसके बाद कसेंगे बढ़िया से। आउटडोर के पास तो पाइप कसिए दिए थे और यहाँ भी अब यूनियन के पास जो है पाइप को कस दिए हैं। जब तक हम नीचे से ऊपर आए तब तक जो है वो जर पहले से ही कनेक्शन किए हुआ था सब कुछ लाइन वाइन का, और ये वैक्यूम पर लगा दिया है मशीन को, तो अभी ये एसी जो है वैक्यूम हो रहा है। पुराना होने की वजह से पाइप थोड़ा सा हार्ड हो गया था, लेकिन फिर भी इसको अच्छे तरीके से मोड़ के जो है एकदम चिपका दिए हैं दीवार से, लीकेज का 0% चांस है। पहले यहाँ से हवा निकालो, हाँ खोलो हल्का सा, हल्का बस बस बस, और थोड़ा सा निकालो, बस बस बस, खोल पूरा, वैक्यूम करने के बाद तुरंत मशीन नहीं चलाया हम, थोड़ा सा गैस डाल दिए हैं और उसके बाद पहले हम लीकेज चेक कर लेते हैं। लीकेज चेक करने के बाद ही चालू करेंगे और फिर जो भी गैस कम होगा वो डाल देंगे। तो लीकेज यहाँ से तो नहीं दिख रहा हमको, नहीं है यहाँ से लीक। अभी जस्ट आउटडोर चला है तो बैक प्रेशर अभी कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, धीरे धीरे ये घटेगा, अभी फुल स्पीड कंप्रेसर नहीं पकड़ा है। चलिए गैस उस भर करके पूरा मशीन पैक कर दिए हैं। अब पाइपिंग देख लीजिए, पहले कैसा था अब कैसा है। पहले देखवे किए थे इस एसी का किस तरह से पाइप अल्टर किया हुआ था, तो अब जो इसमें टेप करके बढ़िया तरीके से जो एकदम चिपका दिए हैं पाइप को, और गैस वैस डाल करके, गैस डालने से पहले तो वैक्यूम किए बढ़िया से लगभग 15 मिनट के आसपास, 15 मिनट किए और उनके बाद जो इसमें गैस डाले। ये सेटिस्फेक्शन वाला काम था, आपको कैसा लगा ये काम देख करके? अच्छा लगा, काम तो बहुत अच्छा था। पहले किस तरह का पाइप था, अब अभी जो पाइप का, हाँ पाइप का कनेक्शन अल्टर था थोड़ा सा जी। इसी में चिलनेस काफ़ी ज़्यादा है, वैक्यूम करने का यही फ़ायदा होता है कि जो सिर्फ गैस गैस होता है वो एसी के अंदर रन करता है, जो बाहर का जो अवांछनीय हवा होता है या मॉइस्चर होता है पाइप के अंदर वो खींचा जाता है, और एसी जो 100% कूलिंग देता है। विदाउट वैक्यूम के आपका एसी सिर्फ 80% या 70% ही कूलिंग फेंक पाता है, और आपको कूलिंग के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, लेकिन वैक्यूम करने से 100% कूलिंग आता है, जो कि अभी ये एसी बता रहा है अपना चिलनेस से।